बहुत छोटी सी अवस्था में परीक्षित पर बड़ा भारी सत्ता का दायित्व आया। परीक्षित महाराज ने विचार किया, एक दिन चल के अपने राज्य का निरीक्षण तो कराऊं, मेरे राज्य की सीमाएं कहां तक हैं। निकल पड़े, जहां भी जाते हैं वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं, पर एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला कि गाय और बछड़े को एक कोई दुष्ट शूद्र बिल्कुल बुरी तरह मारता हुआ, पादप प्रहार करता हुआ ले जा रहा है, लात मार रहा है। गाय रम्हा रही है, आंसू बहा रही है, बछड़ा थर थर कांप रहा है उसकी ताड़ना से। तीन पैर टूटे हुए हैं बछड़े के, एक पैर पर खड़ा खड़ा लड़खड़ा रहा है। ये दुर्दशा देखी क्रोध में भर गए महाराज परीक्षित। जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोलोक धाम से धराधाम पर गोपाल बन के विचरण किए, गौचारण किए, उन्हीं प्रभु के परम धाम जाते हैं, उनकी गायों पर इतना घोर अन्याय हो रहा है मेरे राज्य में। मारोदी अंब भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री, तलवार तान करके दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े परीक्षित। हे गौ माता, अब मत रोइए, इन दुष्टों को दंड देने के लिए मैं आ गया। जहां दौड़े कि वह शूद्र तुरंत चरणों में गिर पड़ा, त्राहे माम त्राहे माम, रक्षा करो महाराज रक्षा करो। क्षत्री का धर्म है शरण में आए हुए को कभी ना मारे, इसलिए महाराज परीक्षित उसको अपनी शरण में आया जान करके खड्ग को म्यान में कर लिए। और गौ माता को प्रणाम करके बोले, मां बताइए आप कौन हैं? आप अभी अभी आपस में बातें कर रहे थे, उस वार्तालाप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साधारण गाय बछड़े नहीं, कोई दिव्य शक्तियां हैं, कृपा करके अपना परिचय दें। हे वृषभदेव, आप भी बतावें आप कौन हैं, आपके तो तीन पैर टूट गए, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की हमें बताओ, निर्भीक होकर के बताओ। बछड़ा बोला, महाराज किसे अपने दुर्दशा का कारण मानूं, कुछ लोग कहते हैं जो जीव जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं ग्रह दशा ही ऐसी है कि इस समय तुम सुखी हो ही नहीं सकते, ग्रह तुम्हें परेशान करेगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, तो मैं अपनी इस स्थिति का दोष किसे दूं, ग्रहों को दूं, काल को दूं, समय को दूं, कर्मों को दूं, या ईश्वर की इच्छा को मानूं, मैं किसी को दोष नहीं देता। महाराज परीक्षित बोले, मैं जान गया आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पर पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार हो जाता है। यत् अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्, पापी के पाप की चर्चा करो तुम्हें भी पाप का फल भोगना पड़ेगा, उसका अंश तुम्हें भी मिलेगा, और किसी के पुण्यों की चर्चा करो तो उसके पुण्य का भाग आपको भी मिलेगा। हम लोग उल्टा करते हैं, अपने पुण्यों के गीत गाते हैं और पापों को छुपाते हैं, और दूसरों के पापों की चर्चा करेंगे, और किसी की पुण्य चर्चा हो, किसी के शुभ कर्मों की चर्चा हो तो उबाजी आने लग जाती है, या बात को काट देते हैं, अरे तुमने दुनिया देखी यही क्या, एक से एक पुण्यात्मा पड़े हैं, तुरंत प्रसंग काट देंगे, और किसी की चुगली निंदा हो रही हो, अरे पता है वो बाबा बड़ा पाखंडी निकला, अच्छा मैं पहले ही कह रहा था उसकी नकली दाढ़ी है, पहले ही समझ रहा था, अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसे उकसा उकसा के पूछते हैं कि जैसे हमको कितना बड़ा मसाला मिल गया। बोलो राधे राधे। पर अघ सुनहि सहस दस काना, कभी तृप्ति नहीं मिलती हमको चुगली निंदा सुनने में, परंतु जो सुनेगा वो भी उसके दोषों का हिस्सेदार बन जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी है कि कोई बुराई हो गई तो गा दो,
सुना दो ताकि जम में बट जाए, और अपने शुभ कर्मों को छुपा के रखो ताकि दूसरे के पास न जाए। और शुभ कर्मों का हम ढिंडोरा पीटते हैं और अशुभ कर्मों को छुपा के रखते हैं, सुबह बढ़ते चले जाते हैं। महाराज परीक्षित बोले, मैं जान के आप साक्षात धर्म हैं, इसलिए आपके श्री मुख से एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं हुई। और ये गौ माता साक्षात धरणी है, धरित्री, भगवान जिसको छोड़कर परम धाम गए हैं इसलिए बेचारी दुखी हो रही है। मैंने तुम दोनों को पहचान लिया, आप धर्म हो ये धरती है, पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है ये मेरी समझ में नहीं आया। क्यों रे, तेरा परिचय क्या है? तब बोला, महाराज मेरा नाम है कलियुग। अरे दुष्ट कली, तू यहां कैसे आ गया, मेरे राज्य में कैसे घुस आया? कली शब्द का अर्थ है कलह, कलह के योग का ही नाम कलियुग। चारों तरफ कलह, पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, बाप बेटा में कलह, राजा प्रजा में कलह। महाराज परीक्षित बोले, इसी पल तू मेरी सीमा से बाहर जा। कलयुग बोला, महाराज सप्त द्वीप वसुंधरा पर एक क्षत्र आपका ही राज्य है, अब मैं बोलो कहां जाऊं? मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, परंतु एक गुण भी बहुत प्यारा है महाराज। क्या गुण है तेरे अंदर? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करके जीवों को फल मिलता था, वही फल में केवल भगवान नाम संकीर्तन मात्र से लोगों को प्रदान करा देता हूं, ये मेरे अंदर विशेष गुण है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, भाई गुण तो तेरा बड़ा प्यारा लगा हमको, तपस्या करने में शरीर सुखाना पड़ता है, यज्ञादिक कर्मों के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है, पर भगवान नाम लेने के लिए तो बैठे बैठे जी हिलाना पड़ता, कुछ भी प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कष्ट नहीं, ये तो बहुत ही सरल साधन है। तब तो हम तुम्हें एक नहीं चार कमरे देते हैं, प्रेम से रहो। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियस्तूना यत्रा धर्मश्चतुर्भिदः। जहां जुआ खेलता हो वहीं अपना डेरा बना लो, जहां मदिरा पान होता हो वहां पर भी अड्डा बना लो, जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां पर भी स्थान बनाओ, और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां पर भी डेरा जमा लो, सब परिवार चार कमरों में रहो। कलयुग चरणों में गिर के बोला, महाराज माफ करना, आपने मेरे दोषों पर ही ध्यान दिया है, गुणों पर ध्यान नहीं दिया, जैसा यात्री वैसे कमरे। अरे कम से कम कोई अच्छा भला एक कमरा तो दे दो महाराज, चार कमरों में सब परिवार रह लूंगा, पर एक कमरा बढ़िया सा मिल जाए जो ड्राइंग रूम बन जाए। अच्छा ठीक है, तो एक कमरा एक स्थान आप अपनी इच्छा से मांग सकते हो। बोला, क्या चाहते हो? तो विचार करके बोला, महाराज मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाता। परीक्षित बोले, तथास्तु, जाओ हमने तुम्हें स्वर्ण में भी वास दिया। अब कलियुग प्रसन्न हो गया, वाह महाराज आप बड़े दयालु हो, अब मेरा परिवार कुशलता के साथ इतने स्थानों पर रह सकेगा। एक प्रश्न उठता है कि जब स्वर्ण में कलियुग का वास परीक्षित दे चुके हैं तो फिर आप लोग स्वर्ण धारण क्यों करते हो? अरे स्वर्ण को तो बड़ा पवित्र माना जाता है, ग्रामीण अंचलों में तो यह मान्यता है कि कोई अपवित्र हो जाए अशुद्ध हो जाए तो माताएं सोने का पानी छिड़क देती हैं, अब शुद्ध हो गया, तो स्वर्ण कितना शुद्ध माना जाता है। और केवल ये मान्यता ही नहीं, लोक मान्यता ही नहीं, शास्त्र मान्यता भी है। भागवत के ही एकादश स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान अर्जुन अपने उद्धव को प्रिय सखा को विभूति योग का वर्णन करते हुए कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम,
उद्धव धातुओं में स्वर्ण में मेरा साक्षात वास है। जब ठाकुर जी अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि सोने में मेरा निवास है, इसलिए हम सोने को पवित्र मानते हैं, धारण करते हैं। और उसी भागवत में प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज कलयुग को निवास दे रहे हैं। तो अब बोलो, कलयुग का निवास माने कि कन्हैया का निवास माने? यदि कलयुग का निवास है तो त्याजनीय, और कन्हैया का निवास है तो वंदनीय। ये दुविधाजनक बात है। संतों ने इसका समाधान दिया, देखो भाई, ये ईमानदारी का मेहनत का कमाया हुआ जो सोना है उसमें तो कन्हैया का वास, और बेईमानी का दो नंबर का जो है उसमें कलयुग का वास। बोलो राधे राधे। और कुछ लोगों ने कहा महाराज अब दो नंबर वाले ही ज्यादा पहन पाते हैं, एक नंबर से मेहनत मजदूरी करके सोना पहनना तो बड़ा मुश्किल है, कुछ थोड़ा सा और इसमें संशोधन किया गया। तो गोस्वामी जी ने रामायण में एक बहुत बढ़िया समाधान दे दिया। बोले संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, पर वही वस्तु जब भगवान को निवेदित कर दी जाती है तो सारे दोष उसके समाप्त हो जाते हैं। अन्न में महादोष, परंतु उसी अन्न का जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है और ठाकुर जी पा चुके तो भगवत प्रसाद हो जाता है, फिर उसमें अन्न बुद्धि नहीं रहती, वो भगवत प्रसाद ही हो गए। तो ठाकुर जी का भोग लगा के पाओ तो अन्न के सारे दोष समाप्त। ऐसी वस्त्र पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहनाओ, फिर धारण प्रसादी बना करके धारण कर लो तो वस्त्र के को सारे दोष समाप्त। तुम ही निवेदित भोजन कर, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, 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 तुम ही निवेदित हो को निवेदित करके हर वस्तु पवित्र पावन शुद्ध हो जाती है। तो आभूषण पहनने हैं, सोना पहनना भी है तो पहले ठाकुर जी को पहना दो और उनका प्रसाद बना के तुम पहन लो। भोजन पाना है ठाकुर जी को पवा दो, फिर प्रसाद बना के आप भी पा लो। बोलो राधे राधे। वो ठाकुर जी का भोग बन जाता है। पता चला कि दुकान से बढ़िया नथ खरीदी और सीधी नाक में लटकाए चली आई, ठाकुर जी को ना पहनाया ना समर्पण किया भाव से, हो सकता है कोई नाकी काट के ले जाए। क्या हुआ? बोले साहब धोखे से वो आया दुष्ट, वो बढ़िया हीरे की नथ थी, काट के ले गया। कुछ भी हो सकता है। तो स्वर्ण में कलयुग यदि घुस गया तो उपद्रव खड़ा करेगा, और भगवत प्रसादी बना के धारण करोगे तो कलयुग की फिर गति नहीं है उसके भीतर, इसलिए भगवत प्रसादी बना करके ही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, महाराज परीक्षित एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने निकले और शिकार खेलते खेलते समीका आश्रम में पहुंच गए। भूख और प्यास भी सताने लगी थी, सोचा चलो महाराज जी के आश्रम में कुछ प्रसाद पाया जाए, भूख बड़ी जोर से लग रही, कुछ फलाहार कर लेंगे। आवाज लगाने लगे महाराज जी, प्रत्युत्तर कोई नहीं, शायद कोई आश्रम में है नहीं, भीतर घुसे चले गए। ढूंढते ढूंढते जब भीतर कुटिया में गए तो समाधिस्त बैठे थे समीक मुनि ध्यानमग्न। तो राजा को यह भ्रम हो गया कि बाबा मेरी सेवा स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने आप चिल्ला के चला गए चला जाएगा, आंख मूंछ के बैठ जाओ। अब बाबा की समाधि असली है कि नकली,
परीक्षा लेने के लिए एक मरा सर्प पड़ा था, वो धनुष कोटि से उठा करके महाराज जी के गले में लपेट दिया। सर्प का स्पर्श पाते महाराज जी अगर नकली समाधि होगी तो भाग लेंगे, पर संत की तो असली समाधि थी। ज्यों के त्यों ध्यान मग्न बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, और राजा गले में सर्प डाल के चलते बने। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया और उसने दौड़ करके सीधा समीक महाराज के पुत्र को सारी सूचना कर दी। भैया तुम यहां खेल रहे हो, तुम्हारे पिताजी के साथ घोर अन्याय किया परीक्षित ने। क्या हुआ? अरे महाराज जी समाधि में बैठे थे और वो उनके गले में मरा सर्प डाल के चला गया। इतना सुनते ही वह ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया। खेल रहा था कौशिकी नदी के किनारे और इस घटना को सुनते ही तुरंत नदी में प्रविष्ट हुआ। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के अंजलि में भयंकर शाप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे घनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो मे तदद्रुहम। ए कुलांगा, तेरे पूर्वजों ने संतों की चरण रज सदा सिर पर धारण करी और तू हमारे संतों का अनादर करता है, मेरे पिता को सर्प के द्वारा अपमानित किया है मूर्ख। तो जा आज से सातवें दिन सप्तम दिवस तक्षक नाम तेरी मौत का कारण बनेगा, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। बाघ वज्रम विसर्ज, बाणी का वज्र छोड़ दिया। ब्राह्मणों की शक्ति बाणी में ही होती है, बाणों में नहीं। अश्वत्थामा ब्राह्मण तो था पर उसने बाण चलाया ब्रह्मास्त्र, ठाकुर जी परीक्षित को बचा लिए। पर इस ब्राह्मण ने बाघ वज्र चला दिया। बाघ वज्र से बचना बड़ा कठिन। बालक दौड़ा दौड़ा आया, पिता के गले में मृत सर्प पाया, बड़ी जोर से रोने लग गया। अपमान को याद करके स्मरण करके नींद समाधि भंग हो गई। नेत्र खोल करके देखा, गले का सर्प उतार के फेंक दिया, बच्चे को गोद में ले लिया। बेटा ऐसे क्यों रो रहा है? अरे ये तो मरा मराया है। पर अन्य बालकों ने जब वास्तविक सारी घटना सुनाई और जब ये पता चला कि पुत्र ने शाप भी दे दिया है, अत्यंत खिन्न हो गए। अपने पुत्र को समीक महाराज ने बहुत ताड़ना दी, बहुत डांटा, मूर्ख तूने किसको शाप दिया है? अरे जिस परम वैष्णव भागवत भक्त मां के गर्भ में था तो मेरे माधव मां के गर्भ में जाके उसकी रक्षा किए थे, ऐसे भगवत कृपा पात्र परीक्षित को तुमने इतना भयंकर शाप दिया? राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। भूखा प्यासा राजा हमारे आश्रम में आया, हमें उसका स्वागत आतिथ्य करना चाहिए था, वो तो कुछ हुआ नहीं, शाप और दे दिया। धिक्कार, तुमने आश्रम का नाम बदनाम कर दिया बेटा। ऐसा भारत भूमि को परीक्षित जैसा सम्राट नहीं मिल सकता। ये प्रजा का परम सौभाग्य होता है कि कोई धर्मात्मा धर्मनिष्ठ उसे राजा प्राप्त हो। अब ये गौरव भारत भूमि को कभी नहीं मिलेगा बेटा, अब तो सब धर्मनिरपेक्ष ही राजा होंगे, धर्मात्मा कोई नहीं। बोलो राधे राधे। और धर्म निरपेक्षता का भी अर्थ क्या होगा? सनातन धर्म पर कुठारा गया, और धर्मों के तो पालक होंगे, पोषक होंगे, विरोध होगा तो केवल हिंदू धर्म से। उस धर्म की यदि किसी ने बात कर दी तो तुरंत हड़बड़ी मच जाए, तहलका मच जाए। ये हालत, ये मानसिकता। सनातन धर्म, सनातन माने शाश्वत, जिसका आदि हुआ है उसका अंत भी होगा, पर सनातन हुआ है जो अनादि हो। जितने भी धर्म हैं उसका कोई ना कोई प्रवर्तक है। फलाना धर्म फलाने से चला, फलाना धर्म फलाने ने चलाया, पर सनातन धर्म किसने चलाया बताओ? श्री राम और कृष्ण जितने भी हुए हैं वो सनातन धर्म के अंग हुए हैं, उन्होंने सनातन धर्म का शुभारंभ नहीं किया। ये तो अनादि है, शाश्वत है, अनादि है इसलिए हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए रावण कुंभकर्ण जैसे
है? कितने कितने लोगों ने क्या क्या प्रयास नहीं किया, धर्म सुनिए नहीं काना। रावण ने भी बहुत प्रयास किया धर्म की हानि हो जाए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत प्रयास किए, पर किसी का प्रयास सफल नहीं हुआ। जब ऐसे ऐसे दिग्गज कुछ नहीं कर सके तो सनातन धर्म का कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये शाश्वत धर्म है, कब से प्रारंभ हुआ कोई नहीं बता सकता। पर बेटा अब परीक्षित जैसा राजा इस देश को नहीं मिलेगा। जाओ राजा को खबर करो। एक शिष्य भेजा, वो दौड़ा दौड़ा गया और परीक्षित को सारी घटना सुना दिया। परीक्षित महाराज को पता लगा तो बहुत पश्चाताप आत्मग्लानी से भर गए। राम राम, मैंने संतों की चरण रज सदा अपने सिर पर सजाई, आज मेरी मति कितनी मलिन हो गई कि मैंने महात्मा का अनादर किया, मरा सर्प गले में डाल करके उनकी अवज्ञा करी। ये बुद्धि आज मेरी हो कैसी गई? संत का अनादर करने वाले इस देह को एक पल भी जीवित रखने का धर्म नहीं है। मैं तो चाहता हूं इस पापी शरीर को इसी पल त्याग दूं, पर विप्र बालक ने भी सातवें दिन मरने का शाप दिया है, तो सात दिन तक तो अब रहना पड़ेगा, इस शरीर को रखना पड़ेगा। परंतु अब इस शरीर को महलों में नहीं रखूंगा, तुरंत दिल्ली से चल पड़े इंद्रप्रस्थ नगरी जहां के सम्राट परीक्षित थे, वहां से चल करके इसी पावन भूमि में जहां आप लोग बैठे हैं इसी बरगद के नीचे आके विराजमान हो गए। घनघोर जंगल पर गंगा का पावन तट आके बैठ गए एकांत में, किसी से कोई बात नहीं। देखिए चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, चाहते तो ढिंढोरा पीट सकते थे, चाहते तो सभी संतों को महलों में बुला भी सकते थे कि आइए महाराज मेरे पास संकट काल आ गया, मैं संकटग्रस्त हूं, मुझे कोई समाधान दीजिए, कह सकते थे। पर ना, संतों की कृपा उनके पास जाने से होगी, घर बैठे संत कृपा करने अपनी इच्छा से आ सकते हैं। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, दशरथ जी को जब भी कोई समस्या आती है तो गुरुदेव के घर में स्वयं चल के जाते हैं, इन्हीं के गुरु जी को बुलाया जाए दरबार में। संतों की कृपा नम्रता के पात्र पर होती है। कितना भी बड़ा राजा हो यदि पात्रता उसकी पवित्र है, हृदय उसका निर्मल है, नम्रता उसका स्वभाव है, तो संत कृपा बरसाते हैं। बुद्ध भगवान उपदेश देते थे तो बड़े बड़े लोग आके सुनते थे। एक राजा बड़े सम्माननीय थे, वो भी उपदेश सुनने आया करते थे और उपदेश सुनने के बाद बुद्ध भगवान को प्रणाम भी करते थे, पर बुद्ध भगवान ने कभी सिर पर हाथ नहीं रखा, कभी आशीर्वाद नहीं दिया। राजा को बड़ा बुरा लगता कि मैं इतना बड़ा राजा, इनको प्रणाम भी करता हूं, इनका उपदेश भी सुनता हूं, महाराज जी ने आज तक कभी मेरे को आशीर्वाद नहीं दिया, ना सिर पर हाथ रखा। तो ये बात उनको चुभती थी। एक दिन उनकी मनस्थिति को बुद्ध भगवान समझ गए और राजा के यहीं भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा आमदे ही, अरे आइए आइए गुरुदेव आइए, स्वागत है आपका, आप खूब पधारे। बोले राजन आज हम आपसे भिक्षा मांगने आए हैं, कुछ प्रसाद पाएंगे, भिक्षा दीजिए। अरे आइए महाराज भीतर आइए, आदर के साथ बैठा है और बोला महाराज आपकी आज्ञा मिले तो मैंने रबड़ी जैसी इतनी प्यारी खीर बनाई है, आप पाओगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ले आऊं महाराज? स्वामी जी बोले अवश्य ले आइए। बढ़िया रबड़ी जैसी अधोटा खीर लेकर के राजा साहब आए। देखिए महाराज पाइए, चांदी के पात्र में चमचमाते खीर, बड़ी दिव्य सुगंध, बड़े विविध उसमें मेवा मिष्ठान पड़े थे। बुद्ध भगवान ने अपना कमंडलू आगे कर दिया, मैं अपने ही पात्र में पाता हूं राजन, इसी में परोस दीजिए। जो आगे महाराज जब डालने लगे कमंडलू में खीर तो उसमें तमाम धूल मिट्टी पर लगी हुई थी, गंदा हो रहा था। राजा ने खीर का कटोरा पीछे कर दिया, क्षमा करना महाराज, बहुत धूल मिट्टी लगी हुई है आपके कमंडलू में, यदि इसमें खीर परोस दी तो सब सत्यानाश हो जाएगा खीर का।
सारा स्वाद ही बर्बाद हो जाएगा, खीर का सब आनंद किरकिरा हो जाएगा। महाराज आप मेरे पात्र में पाइए, और आपको अपने ही पात्र में पाना है तो थोड़ा सा साफ कर लीजिए, महाराज धो लीजिए, स्वच्छ हो जाएगा तो पाने में आनंद आए। बुद्ध भगवान हंसते हुए बोले, राजन एक बात पूछ सकता हूं? बोले पूछो महाराज। बोले ये बताओ, खीर ज्यादा कीमती है कि आशीर्वाद? राजा ने कहा, महाराज आशीर्वाद का खीर से क्या मेल है? खीर तुच्छ वस्तु है, वो तो खा करके फिर सब बराबर। आशीर्वाद तो दिव्य वस्तु है, इसकी उससे क्या तुलना? बुद्ध भगवान बोले, तेरे को खीर खराब ना हो जाए इसका डर है, इसलिए बर्तन में नहीं डालता मेरे, और मैं अपना दिव्य आशीर्वाद तेरे बर्तन में कैसे परोस दूं जब तक बर्तन साफ ना दिखे। बोलो राधे राधे। मुझे भी तो आशीर्वाद का दिव्य प्रसाद देते समय सोचना पड़ता है कि बर्तन ठीक है कि नहीं। बढ़िया पात्र दिखे तो परोसा जाए आशीर्वाद। क्या कहना चाहते हैं राजा समझ गए और तुरंत चरणों में गिर पड़े। हृदय से जब नम्रतापूर्ण प्रणाम किया, सोई बुद्ध भगवान ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दिया। तो संतों का आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। कई लोग होते महाराज जरा सिर पे हाथ रख दो, अब महाराज जी का नहीं रख रहे तो हाथ पकड़ के जबरदस्ती धप करा लेते। तो ऐसे सिर पर जबरदस्ती हाथ पकड़ के रखने से थोड़ी आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद तो आत्मा से निकलता है, हृदय से निकलता है, और आपके अंदर पात्रता है, योग्यता है तो कहने की आवश्यकता नहीं है। संत अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से ही आप पर आशीर्वाद बरसा देंगे। उसके लिए हाथ से ही हाथ सिर पर रखा जाए उसकी उतना आवश्यकता नहीं। तो परीक्षित में पात्रता है, इसलिए चक्रवर्ती की गद्दी को ठुकराकर इस पावन एकांत में जंगल में आके बैठ गए, और इसी पात्रता पर रीझे हुए संत सब दौड़ पड़े। एक नहीं सैकड़ों संत इसी बरगद की छांव में राजा के चार ओर आकर के बैठ गए। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, परशुराम जी महाराज हैं, विश्वामित्र जी महाराज हैं, वशिष्ठ जी हैं, पराशर जी हैं, वेदव्यास जी महाराज, एक से एक दिग्गज देवर्षि नारद जी, सबके सब आ गए। हजारों संतों को अपने पास आते देखा। महाराज परीक्षित ने सभी को खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, आप जैसे संत मुझ पर कृपा बरसाने के लिए पधारे। मुझे तो लगता ही नहीं कि मुझे अभिशाप मिला है, अरे मुझे तो आशीर्वाद मिला है। मृत्यु तो महाराज सभी की निश्चित है, पर मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा कि गंगा के तट पर इस पावन वट छाया में इतने संतों की कृपामयी सन्निधि में ये शरीर छूट है, इससे बढ़िया बात और क्या हो। परंतु एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं महाराज। बोले पूछिए। बोले बस इतना बताइए, मरने वाले को करना क्या चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्? सभी संतों से प्रश्न कर ही रहे थे परीक्षित। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यद्रक्षया कामन मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभतुष्ट व्रतश्च वानैरवधूत। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सोनक जी बोले, कौन से भगवान प्रकट हुए? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन के प्रकट हो गए। आवश्यक नहीं भगवान आपके सामने मुरली मनोहर बन के ही आएंगे, कि धनुर्धारी राम जी बन के ही आएंगे। न जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वह परमात्मा किसी भी रूप में आपके सन्मुख आ सकता है। आपकी आंख में उसको देखने और पहचानने की शक्ति होना चाहिए। परमात्मा आ भी गया और दृष्टि में योग्यता नहीं है तो परमात्मा को भी पहचान नहीं सकोगे। सुग्रीव के सन्मुख राम जी आ रहे थे, मित्रता करने आ रहे थे, और सुग्रीव ने जब राम जी को देखा तो उसे लगा कि कोई शत्रु आ रहा है, बाली ने भिजवाया है मुझे पकड़वाने के लिए। हनुमान मैं तो भागा। हनुमान जी बोले, इतनी जल्दी मत भागो, जरा मैं भी तो देख लूं। हां तुम जाके देखो, तुम जो कहोगे सो मानूंगा, नहीं मुझे तो ये शत्रु लग रहा है।
पठे बाली होए मन मेला, भागो तुरत तजो यह सैला। अब बताइए परमात्मा आ रहे हैं और सुग्रीव भावने की योजना बना रहे हैं शत्रु समझ करके, तो परमात्मा साक्षात भी आ जाए तो भी जीव पहचान नहीं सकता। कब तक? जब तक किसी श्रेष्ठ संत का सानिध्य न हो। परम संत श्री हनुमंत लाल जी थे, इसलिए हनुमान जी ने राम जी को लाके सुग्रीव से मिला दिया, नहीं तो सुग्रीव तो भाग खड़ा था। ऐसे ही किसी श्रेष्ठ सदगुरु का सानिध्य मिल गया तो परमात्मा को पहचान सकोगे, नहीं परमात्मा भी आ जाए तो शत्रु समझ के भग जाओ। आज सुखदेव महाप्रभु के रूप में साक्षात प्रभु अपने भक्त परीक्षित का कल्याण करने के लिए पधारे हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतदेशः। अलक्ष लिंग स्त्री पुरुष भेद रहता है। सुखदेव जी को यह ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं। सीय राम मैं सब जग जान, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग जगत में अपने जगन्नाथ को जानते हैं, देखते हैं, इसलिए सब में अपने प्रभु का दर्शन करने के नाते कौन अपना कौन पराया, कौन मित्र कौन शत्रु। अजात शत्रु परम हंस सुखदेव जी, अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट, निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभ तेसाम संतुष्ट निज लाभ तुष्ट। अपने हृदय भवन में श्री प्रिया प्रीतम की युगल झांकी नित्य निहारते रहते हैं, इसलिए अपने भीतर से बाहर इनकी दृष्टि जाती ही नहीं। अरे बाहर की तो छोड़ो, अपने तन पर भी दृष्टि नहीं, नग्नावस्था में घूम रहे। अवधूत वेश दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम, घुंघराली अलकावलियां हैं। 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्षीय सुखदेव जी। तम पुष्टि वर्षम सुकुमार पाद अष्टद्वि वर्षम, सुत जी की शब्द शैली देखिए, ये निकाह 16 साल के है। कितनी उम्र है सुखदेव जी की? बोले अष्टद्वि, 8 दूनी। बात तो 16 की हुई पर 8 दूनी कहकर के आयु बता रहे हैं, 16 नहीं प्रयोग कर रहे। क्यों? बोले 16 वर्ष की अवस्था में तो बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं भीतर, परंतु सुखदेव जी हैं एकदम निर्विकार, इसलिए सूत जी कहना चाहते हैं उम्र भले ही 16 साल की हो गई पर स्वभाव तो 8 वर्षों के बच्चों जैसा है। 8 वर्ष के बच्चे जैसे निष्काम निश्चल होते हैं, ऐसे ही परम निष्काम श्री 16 वर्षीय सुखदेव जी नग्नावस्था में अवधूत भेष में विचरण कर रहे हैं। जिस गांव से निकल पड़ते हैं उसी गांव के छोटे छोटे बच्चे पागल समझ के पीछे लग जाते हैं, ताली बजा के मजाक उड़ा रहे, नंगा बाबा आ गया ओहो करके तमाम हल्ला मचा रहे हैं। सुखदेव जी को कोई होश ही नहीं, कई सुंदरियां इनके सौंदर्य पर विमुग्ध होकर के इनके पीछे लग जाती हैं। तो कोई हमें अनुराग से देख रहा है तो कोई हमारा उपहास कर रहा है, सुखदेव जी को दोनों में से किसी से मतलब नहीं। निज लाभ तुष्ट, वो तो अपने निजानंद में इतने मस्त हैं कि बाहर इनका ध्यान जाता ही नहीं। ऐसे 16 वर्षीय सुखदेव जी का सुभागमन जैसे इस बटत छाया के पास हुआ तो जितने संत बैठे थे परीक्षित को घेर कर सब उठ करके खड़े हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित, ये 16 वर्षीय बालक आया और इतने इतने वयोवृद्ध महात्मा उठ गए, सफेद दाढ़ी, 10,000 वर्ष की आयु जिन महात्माओं की,
वो स्वागत में खड़े हैं। संतों में वह श्रेष्ठ है जिसकी साधना दिव्य है, ब्राह्मणों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास विद्या दिव्य है, क्षत्रियों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास पराक्रम दिव्य है, वैश्यों में वह श्रेष्ठ है जिसके पास संपत्ति दिव्य है। तो संतों में दिव्यता का महत्व उसका है जिसने खूब साधन किया है, जो उस तत्व ज्ञान के बहुत निकट पहुंच गया है या उस तत्व ज्ञान से संपन्न हो चुका है, जिसकी जितनी ऊंची स्थिति वो उतना ही श्रेष्ठ। तो अवस्था 16 साल की है पर स्थिति बहुत ऊंची है, इसलिए सारे संत उठ के खड़े हो गए। परीक्षित को समझते देर नहीं लगी, ये बालक असाधारण है, तभी तो ये बुड्ढे बाबा खड़े हैं। तुरंत परीक्षित महाराज ने भी साष्टांग दंडवत किया सुखदेव जी के चरणों में। अब छोटे छोटे बच्चे जो सुखदेव बाबा को पागल बाबा समझ के पीछे लगे हुए थे, वो सब भौंचक्के से आंखें फाड़ के देख रहे हैं, हे भगवान इस पागल से बच्चे को हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा दंडवत कर रहे हैं, इतने इतने बुड्ढे इसको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं खड़े होकर। बच्चे आपस में कानाफूसी करके बोले, जल्दी भाग लो नहीं तो पकड़ के पिटाई होगी अपनी। सारे बच्चे एकदम भगदड़ मची और भागते चले गए। षोडशोपचार सुखदेव महाप्रभु का पूजन किया परीक्षित ने और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, महाराज आप जैसे संतों का कोई स्मरण कर ले तो उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए और फिर दर्शन मिल जाए और चरणोदक मिल जाए, उसका तो कहना ही था। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः सुद्यन्ति मयि गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना। मैं तो कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन भी मिल गए और चरणोदक भी मिल गए। बस एक ही प्रश्न आपके चरणों में निवेदन करूंगा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इस मृत्यु लोक में सभी मरण धर्मा हैं, तो मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, कृपा करके बस इतना ही बताइए। जीव मात्र का कर्तव्य क्या है, जीव के जीवन में स्मरणीय कौन है, भजनीय कौन है, वंदनीय कौन है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इन विषयों पर थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करें। और इन प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो गए महाप्रभु सुखदेव जी और बोल उठे द्वितीय स्कंद से उनकी दिव्य वाणी। परीक्षित की तरह हम सब भी मरण धर्मा हैं, मृत्यु का ग्रास इन्हीं 7 दिनों में किसी को भी कभी भी काल व्याल का ग्रास बन कोई भी बन सकता है। जीवन में दिन तो 7 ही होते हैं, इसलिए हम भी जिज्ञासी बन करके इसके समाधान पर विचार करें। सुखदेव जी गदगद होके कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, मानव मात्र का है। आज तुम समस्त मानवों के प्रतिनिधि बनके सभी के कल्याण का यह प्रश्न कर रहे हो। बरी याने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नृप आत्मवित सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसुय परः निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः देवाचार्थे हयाराजं कुटुंब भरणे। महाप्रभु सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये संसार के अभागे प्राणी दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरते रहना, रात भर सो जाना या विषयों के भोग में लगे रहना, इसी में सारा जीवन सनई सनई समाप्त कर देते हैं। पर हमें मरना है इस बात को बिल्कुल भूले रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि इन्हें मृत्यु का पता नहीं हो, क्योंकि अपने कंधों पर न जाने कितनों को गंगा जी में बहाया है, कितनों को मरघट में भूखे आए, सबको ज्ञान है कि वे भी मर गए। ज्ञान तो सबको रहता है, पर कभी हमारा भी नंबर आएगा ये कभी नहीं सोचता।
बोलो राधे राधे। पश्यन नपि न पश्यति, मृत्यु को देखता हुआ समझता हुआ भी अनजान बना बैठा है। बिल्ली को जब कबूतर देख लेता है तो डर जाता है, और डरने के बाद करता क्या है, आंख मूंछ के बैठ जाता है और बैठा बैठा सोचता है मुझे तो बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं। पर वो अभागा ये भूल जाता है कि तेरे आंख मूंछने से बिल्ली तुझे नहीं दिखी, पर बिल्ली को तो तुम अब भी दिख रहा है, उसकी आंख थोड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे ही हमको मृत्यु दिखाई पड़ रही है, समझ में भी आ रही है, फिर भी हम उसकी तरफ से आंख मूंछ लेते हैं, आंख फेर लेते हैं, हम नहीं देखेंगे, हम क्यों डरे। तुम डरो मत डरो, देखो मत देखो, पर मृत्यु का तो दृष्टि पड़ी है, किसी भी पल झपट सकती है। इसलिए इस मृत्यु लोक में मानव मात्र को सावधान रहना चाहिए इस खतरनाक बिल्ली से। बोलो राधे राधे। जब कोई मरता है और हम लोग जाके मरघट में उसे फूंकते हैं और उसकी जब चिता जलती है तो कुछ पल के लिए तो लोगों को वैराग्य चढ़ता है, भैया सब झूठा, रात में इतना हंस हंस के बातें कर रहा था और सवेरे पता चला गया, एक मिनट का भरोसा नहीं जिंदगी का, आज के बाद दो नंबर के धंधे सब बंद, भलाई बुराई दुनिया से लिए फिर रहे हैं, अरे ना कोई लेके आया ना कोई लेके, इतना विचार, इतना संपन्न व्यक्ति खाली हाथ चला गया, एक मिनट में लुढ़क गया, चिता जलती जाएगी और गीता पूरी कंठस्थ होती जाएगी, न जाने कहां कहां की बातें सोचेगा, सब नश्वरता संसार की समझ में आने लगती। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी 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 का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सारा ज्ञान हो गया, एक सांस का भरोसा नहीं कि जो सांस निकल गए वो वापस भी आएगी कि नहीं, सांस सांस पे हरि भजन प्रथा, श्वास जन को ना जाने या श्वास को हावन हो ये न हो ये।
दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा करो फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहे ना मोहब्बत रहेगी, शरीर तो रहने वाला नहीं, परंतु शरीर के जाने के बाद भी यदि कुछ रहता है तो व्यक्ति का किया हुआ कर्म, उसकी उसने जिसके साथ जैसा व्यवहार किया है उस व्यवहार को लोग याद रखते हैं, बहुत भला आदमी था। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके मरने के बाद लोग चैन की सांस लेते हैं, हे भगवान बड़ा ठाकुर जी ने कृपा करी, आतंक के मारे सो नहीं पाते थे, ऐसे लोग होते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके जाने के बाद लोग बरसों तक याद रखते हैं, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा नाम रह जाएगा नाम रह जाएगा आदमी का, भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम राम सीता राम राम सीता
भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज का प्रश्न सुना और सुखदेव जी क्या क्या समाधान देते हैं उसकी चर्चा कल प्रातः सत्र में होगी। आप लोग प्रेम के साथ समय पर पधार करके ये मानव मात्र का जो प्रश्न परीक्षित ने प्रतिनिधि बन के किया है उसके समाधानों पर विचार और चिंतन सुखदेव जी क्या देते हैं उसकी बृहद चर्चा कल होगी। कल प्रातः सुंदर सुंदर भक्तों के चरित्र और सायंकाल भी परम भागवत प्रहलाद जी का पावन चरित्र, प्रातः ध्रुव जी और शाम को प्रहलाद जी का पावन चरित्र होगा जिसमें भगवान की सुंदर नरसिंह प्रभु की झांकी का भी हम लोग आनंद उठाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराया है, जग ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, जग ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्न मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्न मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, प्रभु ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, प्रभु ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी श्रीमन सूदन की याद की, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला है, टिकड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन मार्ग दिखाने श्याम यही राम यही घन श्याम यही राम यही घन श्याम यही राम यही श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम शांतिरंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आराटिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलिं हरिः ॐ। जैनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाभ्यै पुन्नागजादकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारोपमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भोलेवाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। हर हर
श्रीराम।